नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और आज के एपिसोड में हम लोग जो हैं इन्फिनिक्स हॉट इट फ़ोन में, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट इट फ़ोन में हम लोग खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल। और इस फ़ोन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के लिए पबजी मोबाइल ही डाउनलोड किया और वही मैं खेलूँगा और आपको डेडिकेटेड बताऊँगा कि कैसा चलता है इसमें पबजी मोबाइल। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी जो हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं पबजी मोबाइल को, यहाँ पर मैंने गलती क्या कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नेट ऑन कर दिया मैंने, देख लिया मैंने, यहाँ जो फ्रीज बोल के ऐप है यहाँ पर मैंने पबजी मोबाइल को रख दिया। यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप मैं गेम को रख देता हूँ इन्फिनिक्स हॉटेड का, मुझे नया फीचर पता चला है, कोई भी ऐप अगर इसमें रहता है और अगर आप उसको मिनिमाइज़ करते हैं तो वो मिनिमाइज़ नहीं होता बल्कि तुरंत उसे किल कर देता है, यानी कि रीसेंट टास्क में उसे नहीं रखता है। तो जब मैं वापस से रीसेंट टास्क में चेक करने गया था CPU जेड में टेम्परेचर चेक करने के बाद, तो मुझे ये देखा कि गेम है इन रीसेंट टास्क में, लेकिन जब मैंने फ्रीज़र से हटाया और नॉर्मली जहाँ कोई भी ऐसे जगह पर रख दिया तब जाके मिनिमाइज़ में रहता है। तो फ्रीज़र में कोई भी ऐप अगर आप रखते हैं तो इसका रीसेंट टास्क में तुरंत से किल कर देता है, यह बात का ध्यान रखिएगा। तो सीधा चलिए अभी आपसे लॉबी में मिलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है मैंने पबजी मोबाइल जो है ओपन कर दिया है और आज की जो पबजी मोबाइल में जो है हम लोग खेलेंगे TDM मैच, ठीक है। TDM मैच मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है फ्रेम रेट्स पर सेकंड यानी कि FPS का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन होता है, लेंस गेमिंग होता है, इसीलिए जो मैंने TDM सेलेक्ट किया, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। तो चलिए आप TDM मैच देखिए और उसके बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा गेम प्ले। अगर आप चाहते हैं मैं पूरा खेलूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको जहाँ मन है वहाँ तक देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो एंड करना है तो एंड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने मैच को थोड़ा सा स्किप किया, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जा रहा है क्योंकि आप देखते रहोगे मैं उतना बड़ा प्रो गेमर तो हूँ नहीं भाई, डायमो या फिर सोल भाई तो हूँ नहीं, सोल मॉडल तो आप देखोगे मुझे, बट फिर भी मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि आपको थोड़ा और एंड में मैं कन्फ्यूजन में लेके चलूँ तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि फ़ोन मेरा कितना गर्म हुआ है एट दी एंड और आपको मैं और भी कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए एंड में मिलते हैं सीधा। तो चलिए दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं सीधा फ़ोन का टेम्परेचर। और यहाँ पर मुझे सही में पता नहीं था फ्रीज़र में रखने से मिनिमाइज़ नहीं रहता है तो मुझे बाद में पता चला। तो अभी यहाँ पर हम लोग CPU जेड में आ चुके हैं और CPU जेड में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री इसका टेम्परेचर गया है, ज़्यादा नहीं गया, 34 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है नॉर्मली इसका टेम्परेचर था तो अच्छा, 4 डिग्री से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 10 मिनट में 4 डिग्री गर्म हुआ। और अगर आप चाहते हैं मैं इरांगल खेलूं बड़ा मैच तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं पूरा मैच खेल के आपको बता दूंगा, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं क्विक मैच खेलूं तो वो भी बता दीजिए, मैं 100% खेलूंगा अगर आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो ही।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से जरूर इस वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।